रिश्वत कांड के बाद जिला कोषालय विभाग लगातार विवादों में बना हुआ है। इस बार कोष एवं लेखा विभाग के संयुक्त संचालक ने विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में जिला कोषालय विभाग के लापरवाह रवैये को दर्शाया गया है। संयुक्त संचालक ने लिखा है कि जिला कोषालय का विभागीय निरीक्षण 9 एवं 10 मार्च 2021 को किया गया था। साथ ही 24 मार्च को ग्वालियर से जांच प्रतिवेदन गुना भेजकर 5 हफ्ते में जवाब मांगा गया था, लेकिन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पालन प्रतिवेदन अब तक जिला कोषालय गुना द्वारा नहीं भेजा गया है। ये स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्वालियर संभाग के कोष एवं लेखा कार्यालय ने जिला कोषालय अधिकारी के उदासीन व्यवहार की निंदा की है। वरिष्ठ कार्यालय ने कलेक्टर को भी पत्र की कॉपी भेजकर इस मामले से अवगत कराया है। बार बार पत्र लिखने के बावजूद स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा। दरअसल जिला कोषालय में पेंशन प्रकरण से लेकर सरकारी भत्ते एवं वेतनमान के मामले बड़े स्तर पर लंबित हैं। शासकीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें जीवन भर की गाढ़ी कमाई के लिए कोषालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।